सकीना। हाँ भाईजान। हम सोच रहे ना कि इस ना लंबा चौड़ा एरिया में एक खूबसूरत सा मैं फार्म हाउस खोलूं। जरूर, जगह तो बहुत अच्छा है, झील, पर्वत और फिर इतना अच्छा ग्राउंड, मतलब अच्छा रहेगा फार्म हाउस के लिए। क्योंकि मैं दिमाग इसी में लगा रहा हूँ कि इस ये जो जगह हमारे पास है, इस जगह पे एक बढ़िया सा फार्म हाउस खोलूं जो हम लोग के लिए बहुत ही काम आए और फायदेमंद चीज हो। जी भाईजान। हाँ हेलो, मेरा वहां से नैन मटक्का कैसे किया रे? भाईजान इसको खींच कर लगी अंदर, क्या करने गए थे और क्या हो गया? जा, तुम रूम में रेस्ट करो जाओ। अरे इसका तो अंतिम सांस चल रहा है, चलो चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उठाओ उठाओ। या अल्लाह, वो कहाँ का लड़का था? पता नहीं किस साल में होगा, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। वो लड़का मेरी जान बचाया और भाईजान ने उसे मौत के मुंह में धकल दिया। या अल्लाह, भाईजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार उससे हमको मिलना चाहिए। लेकिन भाईजान से क्या बहाना बनाऊं, वो तो ऐसे जाने ही नहीं देंगे। क्या बहाना बनाऊं? हाँ, भाईजान को बोलूंगी कि मुझे शबनम के यहाँ जाना है, नोट्स लाना है, इम्पोर्टेंट है, वही करना पड़ेगा। साला, मेरा बहन को जान बचाया यहाँ तक तो सही था, लेकिन उस साला मेरा बहन से नैन मटका करने लगा, सो सुल्तान के बहन के साथ। ठीक किया, अबर मिलेगा ना तो कलेजा खींच लेंगे। भाईजान, हमको ना सबाना के यहाँ जाना है, नोट्स लाना है, जाए। ठीक है, जाओ, साथ में मिठू मियां साथ में ले जाओ। नहीं भाईजान, इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जा सकती हूँ। ठीक है, जाओ, आने में थोड़ी लेट होगी। ठीक, लेकिन जल्दी आ जाना। भाईजान थोड़ी शाम हो जाएगी, नोट्स बनानी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा जल्दी घर पहुँचना। ठीक है भाईजान। ठीक। या अल्लाह, घर से तो बाहर निकल गए बहाना बना के, बस उस लड़के से मिला देना। या अल्लाह, वो मिल भी नहीं रहा, शाम भी हो गया पूरा, कहाँ ढूंढूं? नहीं, लड़का से नहीं पूछ सकते। हाँ, एक आंटी है, उसी से पूछ लेते हैं। आंटी, कुछ लोगों ने एक लड़का को मारा था, आपने देखा था क्या? हाँ बेटी, वो वाला घर वाला है, जाओ। अच्छा ठीक है आंटी, शुक्रिया। बाप रे बाप, क्या जरूरत था बेटा तुमको मुस्लिम लड़की को बचाना? बदले में तुमको क्या मिला बेटा? तुमको तो मौत का घाट उतार दिया। अगर ये दोनों नहीं रहता तुम्हारा दोस्त, तो तुमको आज ये हम तुमको नहीं देख पाते जिंदा। बाबा, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, अब आपकी बहू वही मुस्लिम लड़की बनेगी, चाहे इसके लिए मेरा जान ही क्यों ना चला जाए। बाबा क्यों बेटा, तुम मेरे सपनों को तुम तोड़ रहे हो बेटा।
क्योंकि तुम्हारा शादी हम अच्छा हिंदू धर्म में करवा देंगे, हिंदू लड़की से करवा देंगे बेटा। तुम क्यों अपना सपना को भी चूर करे और मेरे भी सपना को चूर करे? गांव मोहल्ला क्या बोलेगा बेटा? तुम्हारा बाबूजी को सब थूकेगा बेटा। बात मान जाओ बेटा। नहीं बाबा, मैं आपके चरणों का सौगंध खा लिया हूँ। अब ये मेरा सौगंध वापस नहीं आएगा। अब मैं उसी लड़की, उसी मुस्लिम लड़की से ही शादी करूंगा। या अल्लाह, ये क्या कर दिए मेरे भाईजान ने? वो सच में भाई नहीं, कसाई है। बेटी देखो, मेरा बेटा का क्या हाल किया तुम्हारे भाइयों ने? तुम्हारा जान बचा के इसको क्या मिला? बदले में इसको मौत मिला। आप लोग की सारी बातें हम सुन लिए हैं। अब इस घर की बहू शकीना ही बनेगी। नहीं बेटी, तुम एक मुस्लिम लड़की हो, मेरा सिवा बेटा एक हिंदू है। तुम दोनों का शादी कैसे होगा? नहीं बाबा, अब ये शकीना आपके बेटे शिवा की शिवानी बनेगी। ये मेरी अटूट फैसला है। चचा, शादी की तैयारी कीजिए। जब सकीना राजी है तो इस घर की बहू सकीना ही बनेगी। शर्मीले हैं। शुरू हमी को करना पड़ेगा। क्या जी, कुछ नहीं आता है क्या? आता है, लेकिन सोच रहा हूँ कैसे शुरू करूँ। या अल्लाह, कौन हिंदू लड़का से शादी कर ली है? कुछ भी नहीं आता है इसे। अरे अमित भाई, हम लोग शादी कब कीजिएगा? शिवा को तो शादी हो गया है, हम लोग भी जल्दी कर लीजिए। वो तो किसी तरह ठीक बोल रहे हैं, वो तो किसी तरह अपना मुस्लिम लड़की से जुगाड़ बैठा लिए। हम लोग को भी कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कौन पाय लगाना पड़ेगा। पहले उनके घर चलते हैं, भेंट करके आते हैं, चलिए उसके बाद दिमाग लगाते हैं। इजी उठिए, चाय पी लीजिए। अरे कुछ देर आप सोने दो ना। उठिए ना। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है फिर, बाबा को बोलते हैं। बाबा बाबा को मत बोलना, चलो मैं उठता हूँ। आइए जल्दी। सकीना, मेरा सामान कहाँ तू रख दी? नहीं मिला? शिवा, अब से आप हमें सकीना नहीं शिवानी बोलिए, क्योंकि ये शिवानी जिएगी तो आपके लिए और मरेगी भी तो आपके लिए। शिवानी, तुम्हें अपने भाईजान की याद आ रहा है ना? लेकिन क्या फायदा याद करने से? अगर मैं उन लोग के पास गई तो वो लोग मुझे कभी यहाँ आने नहीं देंगे दोबारा। आप भी जानते हो शिवा कि आप हिंदू लड़का और मैं एक मुस्लिम लड़की, और ये शादी भैया लोग कभी नहीं मानेंगे। शिवानी, तुम अपना मन छोट मत करो। एक समय ऐसा आएगा कि सब सही हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। ज-
शिवा बेटा, शिवा बेटा, बहू उल्टी कर रही है, तुम जल्दी से आओ, डॉक्टर को जल्दी बुला कर लेकर आओ। क्या हुआ बहू, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस उल्टी हो रहा था। चलो शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम एक काम करो, जाओ डॉक्टर को बुला कर ले आओ। ठीक है बाबा, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है जाओ, बहू का तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। बाबा फोन हम किए, डॉक्टर साहब बोले थोड़ा बिजी है तो अपना क्लिनिक पर ही हम लोग को बुलाए। चलिए शिवानी, चलो चलो जल्दी ले चलो। चलो शिवानी क्लिनिक पर ही। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब, मेरी बहू अचानक उल्टी करने लगी, पता नहीं क्या हो गया, देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से चेक करके। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप दादा बनने वाले हो। अच्छा, आप दादा बनने वाले हैं? शिवानी, अब हम पापा बनने वाले हैं। ठीक है, तो मुंह मीठा करवाइए। जरूर डॉक्टर साहब, जरूर मुंह मीठा करवाएंगे। ठीक है, चलो शिवानी। क्या कर रही हो शिवानी? शिवा, आप हमें इतना भी प्यार मत दो जिससे हमारा बच्चा कहीं गरीब ना रह जाए। हम खुश हैं, अब हमें मन लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। और आप अपना काम कल से स्टार्ट कीजिए। अरे पगले, कुछ दिनों से हम काम पर नहीं जा रहे हैं तो तुम सोच रहे कि मेरा काम बंद है, मैं कमा नहीं रहा हूँ। हम अपना होश जब से संभाले हैं तब से बड़े काम और बड़े सोच के साथ जीते हैं और जिएंगे रे पगली। अमित भाई। हाँ भाई। तो चचवा घर बहुत दिन से गेल नहीं है, भाभी का क्या हाल चाल है देखते हैं। ठीक है, कहते हैं चलिए चलिए। तो चलिए तो आते हैं। शिवानी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है तो मैं झाड़ू लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी, जाओ आप बैठो, जाओ। अजी, आप इतना चिंता क्यों करते हो? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और जिस दिन समय नजदीक आ जाएगा उस दिन हेल्प कर देना। ओके बेटा, तुम फूआ बनने वाली है और हम दादा बन गए। शिवा, ये गांव कितना प्यारा है ना, यहाँ का शांत वातावरण कितना अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा लगता है। चलो, बहुत ज्यादा। बेटा, हम दादा बन गए, तुमको बताने के लिए हम फोन किए हैं। बाबा, हम और शिवानी थोड़ा नदी तरफ घूमने जा रहे थे। बेटा, इस समय जाना उचित है, बाहर में खतरा है और बहू भी तबीयत ठीक नहीं है, बहू का बाहर जाना, पूरा अभी मौसम खराब है। बाबा, हमको घूमने का जाने का मन कर रहा है, बहुत दिन से गए नहीं है। जाने दो ना बाबा, कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तब जिद्दी कर रहा था, जाओ बहू को बढ़िया से संभाल के लेके आना घुमा के। ठीक है बाबा। आखिर सकीना गई तो गई कहाँ, पूरा जंगल झाड़ पूरा छान मारे फिर भी नहीं मिल रही है, आखिर गई तो गई कहाँ भाईजान? क्या बात था चाचा, भाभी को डॉक्टर के पास लेके गए थे? घबराने का कोई बात नहीं है बेटा, तुम चाचा बन गया और हम दादा बन गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। मिठाई खिलाइए चाचा। बिल्कुल खिलाएंगे बेटा, अभी बाहर गया है तुम्हारा दोस्त, आ रहा है बहू को लेकर। ठीक है चाचा, तब तक बैठो। बैठते हैं चाचा, मिठाई खा के ही जाएंगे। बिल्कुल खा के जाना बेटा, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। ठीक है चाचा। शिवानी, हमसे शादी करके तुम खुश तो हो ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैं बहुत खुश हूँ आपसे शादी करके। सच में? सच में? हाँ। चलो, मैं सोच रहा था कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो। नहीं, बहुत खुश हूँ। चलो। क्या हुआ सकीना, मिल नहीं रही है, पूरा जंगल झाड़ पूरा छान मारे फिर भी नहीं मिली।
साला साला गया तो गया किधर? चारों तरफ ढूंढो, आधा उधर फैलो आधा इधर फैलो, बाकी मेरे पीछे आओ। गया तो गया साला किधर? कुत्ता कमीना, तुम मेरा वहां से नैन मटक्का कैसे किया रे? नैन मटक्का किया तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन तुम मेरा वहां से निगाह कैसे किया रे चोट्टा? अब तुमको कौन बचाएगा? नहीं भाईजान प्लीज। सकीना तुम मेरा रास्ता से हट जाओ। नहीं हटूंगी भाईजान। क्यों? क्योंकि मेरी इससे निगाह हो चुकी है और आपकी वजह से ही मैंने ये गलती की है। जब इसने मेरी जान बचाई तब आपने इसकी मौत के घाट उतार दिए थे, तो ऐसे कैसे होने देते हम? और एक इंसानियत को आपने हैवानियत बनाया है और आप शैतान हो, भाई नहीं हो। आप एक का जान नहीं भाईजान, तीन तीन का जान लीजिएगा, तो डिसाइड कर लीजिए तीनों का जान लेना चाहोगे आप? बहन हम इतना भी बेदर्दी नहीं है रे, जो तुम्हारा पेट में बच्चा पल रहा है उसे धरती पे आने से नहीं रोक सकते है रे। तुम्हारा प्यार में हम हार गए रे। जीजा जी है।